तो फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको एक शेयर जी एंटरटेनमेंट जो कि आज ऑलमोस्ट ऑल 35% गिर गया। क्यों गिर गया इसके कुछ रीजंस मैंने नेट में ढूंढा है, वो उस नेट के राय से मैं बताना चाहता हूं। और ये और दूसरी बात है फ्रेंड्स कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी मैं वीडियोज़ बनाऊँ उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। सो फ्रेंड्स वो क्या है कि देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने देखा है कि यहाँ ब्लूमबर्ग में देख द सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑन नित्यांक इंफ्रा पावर फॉर्मली ड्रीमलैंड मैनपावर फॉर डिपॉजिटिंग ओवर ₹3,000 crore मेड जस्ट आफ्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आउटलाइंड सो 500 और 1,000 नोट्स को रद्द किया था। तब उन्होंने इनके एक ग्रुप कंपनी ने 3,000 crore डिपॉजिट किया था। इन्वेस्टिगेशन शोज दैट नित्यांक इंफ्रा पावर एंड ए ग्रुप ऑफ एलिगेंट शेल फर्म्स हैव कैरिड आउट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस दैट इन्वॉल्व्ड ए न्यू फर्म्स एसोसिएटेड विद द एसएल ग्रुप। सो एसएल ग्रुप भी इनका एक ग्रुप कंपनी है। सो ऑफ बिटवीन 2015 सो ये एलिगेशन आया है इस कंपनी के ऊपर, इसलिए ये शेयर बहुत गिरा। लेकिन मेरा कुछ राय है फाइनेंशियल्स और टेक्निकल्स को देखने के बाद। वो क्या है कि ये एक है, अभी FIS बहुत सेल कर रहे हैं मार्केट में, इसका FIS को ऑलमोस्ट ऑल 40% स्टेक है फ्रेंड्स। सो ये एक वजह, सो FIS ने इसमें अभी हमारे मार्केट से FIS एग्जिट कर रहे हैं। सो ऑलमोस्ट ऑल अगर आप FIS की शेयर होल्डिंग देखते हो तो 40% शेयर होल्डिंग FIS के पास है। मैं दिखाता हूं, देखिए फ्रेंड्स ऑलमोस्ट ऑल FIS के पास 40% शेयर्स है इसके। देखिए सो अच्छे अच्छे फंड्स के पास है इसके, सो LIC के पास भी 4%। सो अभी क्या है कि FIS बेच दे रहे हैं उनके पास शेयर्स और वो एग्जिट कर रहे हैं मार्केट। सो ये वन रीजन हो सकता है कि उन्होंने प्रॉफिट बुक कर दिया होगा इस कंपनी में। और दूसरा, आपको ये खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए कि मेरी राय में जिसने इसको खरीदा है अभी वो एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल चार्ट में दिखाता हूं मैं। टेक्निकल्स में बहुत इतना अच्छा नहीं है, यहाँ गिरावट है मूविंग एवरेज से। देखिए 10 मूविंग एवरेज नीचे है 21 से, सो ऑलमोस्ट ऑल सेल पोजीशन है। सो आप एग्जिट कर सकते हैं, और अगर ये शेयर आपको दोबारा आपको पर मुझे फंडामेंटल्स में मुझे ये शेयर में उतना ड्रॉबैक्स कुछ नहीं, क्योंकि बहुत अच्छा कंपनी है। कंपनी के पास डेप्थ देखिए ऑलमोस्ट ऑल नेग्लिजिबल डेप्थ है, नेटवर्थ अच्छा है। सो किसी ने इसमें अगर आपने खरीदा है आप एक कर सकते हैं कि आप होल्ड करिए स्टॉक को, और आप दोबारा मत इन्वेस्ट कीजिए। आप अगर वेट कीजिए क्योंकि बहुत सारा आज के करीबन कितने शेयर ट्रेड हो गए हैं दिखाता हूँ, 7 crore शेयर ट्रेड हो गए हैं। सो मेरी राय में FIS इसको बेचने वाले हैं, इस शेयर को बहुत सेलिंग आ सकती है इस शेयर में। सो एक मिनट फ्रेंड्स दिखाता हूँ, शेयर में बहुत सेलिंग आ सकती है, 40% है ना उनके पास। लेकिन यहाँ उन्होंने बताया कि क्लैरिफिकेशन के बारे में उन्होंने बताया कि उन्होंने जी एंटरटेनमेंट में बताया कि
There is no information announcement including by the company. So वैसा कुछ भी नहीं है वो सब हमको कुछ भी allegations नहीं है हमको कुछ भी नहीं है ऐसा उन्होंने बताया है ये BSC को उन्होंने letter दिया है so मेरी राय है कि FIS बेच रहे हैं शेयर को so इसलिए इतना गिर गया है ये शेयर so बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है इसके अंदर ये बहुत प्रॉब्लम है ऑलमोस्ट ऑल लोगों ने 7 crore शेयर्स बेच दिया आज मेरे राय में तो नेक्स्ट में देखते हैं कितना बेच दिए हैं 7 crore शेयर्स ऑलरेडी आज बेच दिए सो इसमें डिलीवरी देखिए कितने लोग 24% लोगों ने लिया है सो ये शेयर में बहुत गिरावट है और भी और बहुत गिर भी सकता है इसका लेकिन ये बहुत ही क्वालिटी कंपनी है अगर आपको देखिए फ्रेंड्स अगर आपको ये शेयर 150 लेवल्स तक मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स बहुत ही क्वालिटी कंपनी नंबर वन कंपनी है ये सो अगर आपको 150 लेवल्स मिलेगा तो दोबारा 600 तक जाएगा फ्रेंड्स सो इस शेयर पर नज़र रखिए इन्वेस्ट मत कीजिए 150 लेवल मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है टेप तक कम है सो ये कंपनी कहाँ बिकवाली नहीं जाएगी सो आपको मैं कुछ रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ मेरा ओपिनियंस दे रहा हूँ इस शेयर के बारे में सो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए क्योंकि पैसा तो आपका है लेकिन मेरी एक ही राय है फ्रेंड्स जिसके ने इन्वेस्ट नहीं किया है वो मत इन्वेस्ट कीजिए क्योंकि हमको पता नहीं वो कहाँ तक गिर सकता है शेयर ये सिर्फ मेरा ओपिनियन दे रहा हूँ इसमें सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू फ्रेंड्स ये वीडियो वॉच करने के लिए बाय फ्रेंड्स